सो गाइज एक्चुअली जो मैंने बोला था कि घर घर पे बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, एक्चुअली वो मेरी सिस्टर का शादी था, तो वो जो शादी था कैंसिल हो गया है। आई मीन शादी कैंसिल नहीं हुआ है, हमारे घर से होने वाला था। मेरी बुआ जी की बड़ी बेटी थी, उसका शादी मेरे घर से होने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया, क्योंकि रीज़न उसके पीछे एक है, जो मेरे छोटे दादाजी थे उनका आज डेथ हो गया। तो इसीलिए मैं सब हम लोग उदास होके बैठे हुए हैं गाइस, सारी तैयारियां करने के बाद। एक्चुअली आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेसिन लग चुका था, एक्चुअली सारा सारा कुछ सारा कुछ, और इस घर पे वहाँ पे एसी लगा। तो सब कुछ होने के बाद अचानक से दोपहर को खबर आई मीन न्यूज़ आता है कि दादाजी का जो है, छोटे दादाजी का डेथ हो गया। तो उसके वजह से जो है शादी कैंसिल यहाँ से, और अभी हम लोग कोई उस शादी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को 13 दिन 13वीं तक हम लोगों को सब कुछ मानना पड़ेगा। तो ये तो सदमे में है, मैं भी सदमे में हूँ। मैं आया था घर, और आके जब मैं सुना, मैं इतना उदास हो चुका था कि मैं सो गया था, और अभी उठ के मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। फ़िलहाल जो है हम लोग गम मिटाने के लिए बादाम खा रहे हैं। तो लोग खाओ, बादाम खाओ, लीजिए आप। बादाम खाया जाता है। गम मिटाने के लिए बादाम खाया जाता है। नहीं, नापनी और खान, बादाम खान। एक मिनट रुकिए, छोड़िए, दादी को दीजिए। तो दादी को दीजिए, निकाल के दीजिए दादी को। सो एक्चुअली जो है फिलहाल तो गाइज इतना सब सब यहाँ से सब कुछ अरेंजमेंट होने के बाद और एन वक्त पे न्यूज़ आता है कि दादाजी का डेथ हो गया। छोटे दादाजी थे मेरे, तो खैर कुछ किया नहीं जा सकता है, बट शादी हो रही है, जिस डेट में शादी थी उसी डेट में शादी हो रही है, बट यहाँ से नहीं हो रही है। मेरी एक बुआ जी है जो कहीं और रहती हैं, मेरी एक्चुअली टोटल 4 बुआ जी, जिसमें से एक बुआ जी के घर से शादी हो रही है। मैंने उनके घर पे सारा अरेंजमेंट किया गया। पहले इसी घर पे अरेंजमेंट था, मेरे मम्मी पापा जो थे वो कन्यादान करने वाले थे, बट खैर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। तो फिलहाल जो है बादाम खाते हैं और आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गाइज आई एम वेरी अपसेट, विक्रम ও খুব আপসেট, বাড়ির লোকের সবাই খুব আপসেট। দাদি স্পেশালি ভেবেছিলেন কি নিজের নাতনির বিয়েটা অ্যাটেন্ড করবেন, এবং তার বাড়ির থেকে হচ্ছে তার নাতনির বিয়েটা, তো উনি আরও বেশি খুশি ছিলেন, কারণ সব পিসিরা, বিক্রমের ভাই বোনেরা সবাই একসাথে হতো। 15 দিন ধরে আমরা খুব মজা করতাম, বাট সামহাও ওটা পসিবল হলো না। বিয়েটা হবে, বাট উই ক্যানট পার্টিসিপেট ইন দ্য অকেশন, বাট মেবি মে নট বি, হতে পারে কি আমরা কিছু কিছু অকেশন বা বিয়েটা অ্যাটেন্ড করতে পারবো, বাট ওটাও আর এখনও কনফার্মেশন আমরা পাইনি। লেটস সি, এক দুদিনের মধ্যে জানতে পারবো। যদি অ্যাটেন্ড করতে পারি তো ইটস ভেরি গুড, বিকজ আমি বিক্রম খুব করেই চাইছিলাম যে এই বিয়েটা অ্যাটেন্ড করি, কি রিচুয়ালস এগুলো দেখি। সো দাদিও খুব খুশি ছিল কি বাড়িতে সবাই আসবে, হাই হল্লা হবে 15 ডেজ ধরে, এবং সব রিচুয়ালসতে সে থাকবেন এবং গাইড করবেন। সো সামহাও ওটা হলো না, বাট কি করতে পারি, যেটা হবার থাকে ওটাই হবে। সো উই ক্যানট হেল্প ইট আউট। অ্যাকচুয়ালি যো হ্যায় ঘর পে আপকো পতাই হোগা কি ক্যা হুয়া ক্যা নেই হুয়া, আর আবি উপর সে অর ভি মুড অফ হো গিয়া, ক্যোঁকি घर पे जो खाना बनने के लिए ये स्टोव, ये जो गैस है, बर्नर है, ये अभी थोड़ी देर पहले आया है। तो उनको मालूम नहीं था कि घर पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो उनको रिटर्न करना है कल। तो कल सुबह ये रिटर्न जाएगा, कल सुबह जो है उस घर का ये एसी जो है ये रिटर्न जाएगा। तो बहुत कुछ रिटर्न जाने वाला है, और ऊपर से जो है वो गद्दे वाले मैट्रेस वाले भी आए थे, तो उन लोगों को रिटर्न भेज दिया गया, लेकिन ये बाय मिस्टेकली चला आया, तो इसी कल सुबह भेजा जाएगा। और दादी भी उदास होकर सोई हुई है, मम्मी पापा सब सब उदास होकर बैठे हुए हैं। तो अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं उस घर के लिए।
तो गाइस चलते हैं और आपको सीधा मैं आपको दूसरे साइड ही मिलता हूँ। फाइनली जो है घर पहुंच चुके हैं। और अगर गाइस एक चीज़ के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं सोचा था कि व्लॉग्स जो है आज से बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला था, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आज का जो जैसा भी व्लॉग है गाइस, एक्चुअली मुझे मालूम है कि घर पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से व्लॉग मैं अच्छे से बना नहीं पाया, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि मेंटल हालत जो है जब ऐसा न्यूज़ आता है ना तो ठीक नहीं रहता है गाइस, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने सोचा था कि संगीत का, क्योंकि हम लोगों के मैंने प्लान किया था, मैंने और मेरे दो तीन भाई और सिस्टर्स, हम लोगों ने प्लान किया था कि बॉयज़ का ग्रुप अलग होगा और गर्ल्स का ग्रुप अलग होगा। संगीत में हम लोगों का कुछ प्लान था, मेहंदी में हम लोगों का कुछ प्लान था, तो सारा प्लान जो है कैंसिल हो चुका है। तो बहुत ही ख़राब लग रहा है मुझे, और क्या कुछ कहना ही नहीं है मुझे। तो फ़िलहाल जो है गाइस, आज के लिए जो है व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, मुझे मालूम है कि ये व्लॉग कुछ एंटरटेनिंग नहीं है, क्योंकि मैं एंटरटेनिंग बना नहीं पाया गाइस व्लॉग को, तो हो सके तो प्लीज़ ये व्लॉग को देखना। तो और जब यहाँ तक गाइस अगर देख लियो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम द ग्लैम सिंग्स, और यहाँ तक देखने के लिए और प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच गाइस द ग्लैम सिंग्स फैमिली को। सो थैंक यू सो मच गाइस, कल एक नए फ्रेश डे और फ्रेश व्लॉग के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय। और गाइस प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।